हेलो एवरीबॉडी, आई एम खुशी टीचर फ्रॉम पारस इंग्लिश स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। कॉमन मीन्स जो कॉमन होता है, जैसे कि ग्रुप 1 में बताया गया है कि बॉय, गर्ल, डॉग, डे, मंथ, सिटी, दे आर कॉमन नाउन। अपने इनको सबको कॉमन में बोलते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर नाउन बताया है ग्रुप नंबर 2 में, मीन्स राजू, बॉय तो राजू, गर्ल रानी, मोती डॉग मोती, संडे में मुंबई, दे आर प्रॉपर नाउन। द वर्ड्स इन ग्रुप 1st एंड ग्रुप 2nd आर नेम्स। जो दोनों में नेम दिए हुए हैं, उसमें ए बताया है कि नेम्स इन ग्रुप 1st आर कॉमन। द बॉय मीन्स एनी बॉय, द सिटी मीन्स एनी सिटी, कोई भी सिटी। बट इन बी द नेम्स इन ग्रुप 2nd आर द स्पेशल नेम्स। राजू means a particular boy, Mumbai means a particular city। तो ये क्या है, ये proper common noun है और ये है proper noun। Names like those in group 1st are called common nouns। Names like those in group 2nd are called proper nouns। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन, जो भी नाम देते हैं प्रॉपर नाउन, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लगता है, कैपिटल लगाना ही पड़ता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन मस्ट बी अ कैपिटल लेटर। नाउ हियर एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड आउट द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स from the following sentences and put them in the separate columns given below। नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं वहाँ उसमें से हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को सेपरेट करना है। नंबर 1, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। अब उसमें कौन सा कॉमन नाउन है और कौन प्रॉपर नाउन है, तो मुंबई और महाराष्ट्र दे आर प्रॉपर नाउन बट कैपिटल इज कॉमन नाउन्स। नंबर 2, सम ट्रेन्स रन बिटवीन पुणे एंड बेंगलुरु। तो हियर पुणे एंड बेंगलुरु इज अ प्रॉपर नाउन बट ट्रेन्स आर कॉमन नाउन्स। नाउ नंबर 3, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिवाली। हियर चिल्ड्रन आर कॉमन नाउन बट दिवाली इज द प्रॉपर नाउन। नंबर 4, बेला इज माय सिस्टर। हियर बेला इज प्रॉपर नाउन एंड सिस्टर इज कॉमन नाउन। December is the last month of the year। Year December is the proper noun and month and year they are common noun। There are 3 open windows। Here windows are common noun but 3 is a proper noun। Understood? Now exercise number 2, fill in the blanks with the correct common nouns given below। नीचे जो फिलअप दी गई है उसके ऊपर से अपने को ब्लैंक्स को फिल करना है, फिलअप करना है। सिटी, वुमन, रिवर, बुक, कंट्री, स्टेट, फेस्टिवल, मैन, हिल स्टेशन, माउंटेन। यहाँ से लेकर अपने को ये वर्ड्स लेकर ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है। द रामायण इज अ क्या है, रामायण इज अ बुक। अपने वहाँ से कौन सा वर्ड लेंगे, बुक।
राधाबाई इज अ वुमन, राधाबाई एक, राधाबाई है वो क्या है, एक औरत है, तो राधा राधाबाई इज अ वुमन। मिस्टर वोरा इज अ मैन। गंगा इज अ रिवर। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल। इंडिया इज अ कंट्री। सेवन, नासिक इज अ सिटी। एट ए द सह्याद्री इज अ माउंटेन। एंड नंबर नाइन, शिमला इज अ हिल स्टेशन। एक्सरसाइज नंबर थ्री, राइट दिस सेंटेंस अगेन यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ही कैपिटल लेटर को अपने लगाएंगे, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। There was a meeting at Shivaji Park on Thursday. Here, T क्या है? You children, you know, first letter write always capital. हमेशा ही first letter capital लगाना ही है हमको। कभी भी कोई भी sentence start करते हैं तो first letter write always capital. So here, T put here T capital. There was a meeting एट शिवाजी। शिवाजी पार्क इज अ प्रॉपर नाउन, सो पुट हियर एस कैपिटल एंड पार्क। शिवाजी पार्क ऑन एंड थर्सडे इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, सो पुट हियर टी कैपिटल। शिवाजी पार्क ऑन थर्सडे। देयर वॉज अ मीटिंग एट शिवाजी पार्क ऑन थर्सडे। नंबर टू, इट इज़ वेरी हॉट इन अकोला इन अप्रैल एंड मे। इट आई पुट ईयर फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, आई कैपिटल आई टी। इट इज वेरी हॉट इन अकोला इज प्रॉपर नाउन, सो पुट ईयर ए कैपिटल। इन अप्रैल, अप्रैल इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, सो पुट ईयर ए कैपिटल। एंड मे, एंड मे इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, so put here M capital May. It is very hot in Akola in April and May. Now number three, we celebrate Holi, Eid, Christmas, Onam and many other festivals in India. First letter write always capital. V capital, W capital, so V. Celebrate Holi, Holi is proper noun, so put here H capital. Eid, E capital. Christmas, C capital, because they are proper noun. Onam is also proper noun. And many other festivals in India, India is also proper noun, so put here I capital. Understood? Now number four, the name of my school is Vikas High School. First letter write always capital, so put here T capital. Name of my school is Vikas is proper noun, ki naam hai school ka, so first letter write always capital, Vikas High School. Number five, how old is Ashok? First letter write always capital H. How old is Ashok is also proper noun, so put here A capital. Ashok. How old is Ashok? My friend lives in Delhi. My M capital, friend lives in Delhi. Delhi is also proper noun, so put here D capital. My friend lives in Delhi. Number seven, the Bible is the holy book of the Christians. The T capital, first letter, B-I-B-L-E, Bible, because is a Bible क्या है, holy book है Christians की, इसलिए B क्या है रखेंगे अपने capital. Bible is the holy book of the Christians. So put here Christian भी क्या है, proper noun है, so put here C capital.
Number 8. The names of these girls are Sita and Geeta. First letter write always capital. The names of these girls are Sita S capital, because Sita is a proper noun and Geeta is also proper noun. So put here S and G capital. Geeta, Sita and Geeta. So the names of these girls are Sita and Geeta. Understood, y'all?